प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के चलते लोगों को समिति पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा गंदगी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया। समिति अध्यक्ष नरेंद्र कुमार अग्रवाल, संरक्षक गया प्रसाद अग्रवाल के साथ सैकड़ों दिव्यांग जनों ने एक कदम स्वच्छता की ओर का स्लोगन लेकर जगह जगह झाड़ू लगाकर एवं गंदगी उठाकर समाज के लोगों को संदेश देने की कोशिश की है कि जब दिव्यांग जन इस अभियान में शामिल होकर भारत को स्वच्छ बनाने में आगे आ सकते हैं, तो आम जनमानस को भी आगे आकर इस मुहिम को पूरा करना चाहिए। वहां मौजूद तमाम लोगों ने दिव्यांगों की इस पहल को सराहनीय कार्य बताया। लोगों ने कहा कि इसके लिए उन्नति दिव्यांग जन कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। आपको बता दें कि उन्नति दिव्यांग विकास समिति पिछले कई वर्षों से समाज के लोगों को जागरूक करती चली आ रही है। समिति समाज के पिछड़े लोगों व दिव्यांग जन के हर संभव मदद के लिए तैयार रहती है। जी महोदय जी, आज जैसे कि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और आज स्वच्छता अभियान पूरे देश में मनाया जाता है, तो हम दिव्यांग लोग इस समाज में जो चाहते हैं कि स्वच्छता हो और लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें, और आज हम लोगों ने उन्नति दिव्यांगजन विकास समिति की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसमें उन्नति कार्यकर्ताओं द्वारा शपथ दिलाई गई लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें, गंदगी ना फैलाएं, गंदगी से जो बीमारियां होती हैं उसके प्रति लोग जागरूक रहें।